दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना इंडियन बॉर्डर के ऊपर अपने डिप्लॉयमेंट को काफ़ी इंक्रीज कर रहा है। चाइना ने वहां पर अपने PHL-03 और A-12 ट्यूब 300 मिलीमीटर लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स को डिप्लॉय किया है, जिनकी मैक्सिमम रेंज 70 किलोमीटर से लेकर 130 किलोमीटर तक बताई जाती है। इनमें गाइडेड रॉकेट से ऐसे फीचर्स भी हैं जिससे इनकी जो टारगेटिंग एक्यूरेसी है वो काफ़ी हाई हो जाती है। और इसके बाद ऐसे सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि भारत को भी अपने पिनाका सिस्टम की रेंज को 150 किलोमीटर तक इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन अभी ऐसी खबर आई है कि इंडियन आर्मी ने ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट DRDO को नहीं दी है। हमारा इंडिजिनस 240 मिलीमीटर पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 70 किलोमीटर की रेंज वाला है। इसका एक गाइडेड वेरिएंट भी बनाया गया है जिसकी रेंज 95 किलोमीटर से ज़्यादा है, लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा रेंज वाले मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम की ज़रूरत होगी अगर हमें चाइना का मुकाबला करना है। चाइना के बारे में ऐसी खबर है कि उनके पास 350 किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट सिस्टम भी मौजूद हैं, तो अगर हमें उनका मुकाबला करना है तो हमें भी ऐसी ही कैपेसिटी वाले किसी सिस्टम की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि अभी ऐसी खबर आ गई है कि भारत अभी इन रॉकेट सिस्टम्स की रेंज को इनक्रीज नहीं करेगा, तो चलिए आज हम उन सिस्टम्स या उन मिसाइल्स के बारे में जानते हैं जो कि इनकी कमी को पूरा करेंगे और चाइना के सभी एसेट्स को तबाह करने की क्षमता भी रखते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रलय मिसाइल के बारे में और प्रनाश मिसाइल के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रलय मिसाइल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रहार मिसाइल के बारे में। प्रहार मिसाइल 2011 में पहली बार टेस्ट की गई थी। ये एक ऐसी मिसाइल थी जो कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी के बीच का जो गैप था उसको फिल करने वाली थी, और ये अलग अलग डायरेक्शन में मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करने की क्षमता भी रखती थी। और इसके बाद एक प्रगति मिसाइल को भी डेवलप किया गया था। प्रगति इस मिसाइल का एक एक्सपोर्ट वेरिएंट था जिसकी रेंज को इंक्रीज करकर 170 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया था। जो प्रहार मिसाइल थी उसकी रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो वो 150 किलोमीटर तक की थी, लेकिन हमारे लिए इतनी रेंज काफ़ी नहीं थी। हमें इससे भी ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल्स की ज़रूरत है। और इसके बाद प्रलय मिसाइल और प्रनाश मिसाइल की डिवेलपमेंट के ऊपर काम शुरू हुआ है। प्रलय मिसाइल हमारे पृथ्वी डिफेंस व्हीकल के का एक डेरिवेटिव है। पृथ्वी डिफेंस व्हीकल एक एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्टर मिसाइल है जो कि हाई एल्टीट्यूड्स के ऊपर दुश्मन के वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखती है। प्रलय एक ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा एक्यूरेट मिसाइल होगी। इसकी रेंज 350 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक होगी और इसका वजन तकरीबन 5 टन के करीब होगा। ये 1000 किलोग्राम तक का पेलोड लेकर जाने की क्षमता रखेगी। अगर ये 1000 किलोग्राम तक का पेलोड लेकर जाती है तो इसकी रेंज 350 किलोमीटर तक होगी, लेकिन अगर इसके पेलोड को आधा कर दिया जाता है तो ये 500 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को हिट कर सकेगी। अभी तक जो हमारी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स डेवलप की गई थी वो सभी स्ट्रेटजिक स्ट्राइक पर्पसेस के लिए थी, लेकिन इसके बाद इंडियन आर्मी ने ऐसी रिक्वेस्ट की थी कि प्रलय मिसाइल को डेवलप किया जाए जो कि हमारी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल होने वाली थी। इंडियन आर्मी ने ये रिक्वेस्ट की थी कि एक 500 किलोमीटर की रेंज वाली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जाए जो कि एक साइजेबल पेलोड को भी कैरी कर सके। अभी तक 500 किलोमीटर दूर तक किसी टारगेट को स्ट्राइक करने के लिए इंडियन आर्मी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को ही इस्तेमाल कर रही थी जो कि बहुत कम पेलोड लेकर जा सकती है, लेकिन उसके मुकाबले में प्रलय मिसाइल 1000 किलोग्राम तक का पेलोड लेकर जा सकेगी और ब्रह्मोस के मुकाबले में सस्ती भी होगी। इसके साथ ही अभी भारत एक नई 200 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज वाली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल प्रनाश को भी डेवलप कर रहा है। DRDO ने इस मिसाइल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। ये प्रहार मिसाइल का एक एडवांस्ड वेरिएंट है जिसे कि खास तौर पर टैक्टिकल मिशंस के लिए बनाया जा रहा है। इसे इंडियन एयर फोर्स और इंडियन आर्मी दोनों इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके टेस्ट अगले कुछ ही सालों में शुरू होने वाले हैं। ये एक सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल है जो कि एक्सपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल की जा सकेगी। इन दोनों मिसाइल की अगर हम बात करें तो इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। इनकी एक्यूरेसी 10 मीटर तक है, जो कि अगर हम चाइना के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स के साथ कंपेयर करें तो उनसे काफ़ी ज़्यादा है। हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनकी एक्यूरेसी की भी अगर हम बात करें तो वो चाइना की मिसाइल्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छी है, और चाइना की इसी कैटेगरी के मिसाइल्स के मुकाबले में हमारी प्रलय मिसाइल और प्रनाश मिसाइल दोनों की जो एक्यूरेसी होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी।
अगर हम मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स और ऐसी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स के पास एक एडवांटेज ये आ जाती है कि वो इन मिसाइल्स के मुकाबले में काफ़ी सस्ते होते हैं और ज़्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस किए जा सकेंगे। लेकिन वहीं जो ये मिसाइल्स हैं ये ज़्यादा स्टीक होती हैं, ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं और ये काफ़ी लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं और इनको इंटरसेप्ट कर पाना भी इतना आसान नहीं होता है। इन टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स के इस्तेमाल से सैचुरेशन स्ट्राइक्स की जा सकती हैं, यानी कि इतने ज़्यादा नंबर्स में मिसाइल्स लॉन्च की जा सकती हैं कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स इनको इंटरसेप्ट ही ना कर पाएं। अगर वो इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश भी करें तो वो अपनी मिसाइल्स को व्यर्थ ही गंवा देंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर्स में मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए उनके पास एयर डिफेंस की मिसाइल्स नहीं होंगी। और अगर वो इनको इंटरसेप्ट कर भी पाते हैं तो उनका जो खर्च होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और जो हम सैचुरेशन स्ट्राइक्स की दूसरी वेव भेजेंगे तो वो उनका सफाया कर देगी। यही कारण है कि ऐसी टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारे लिए इतनी खास हैं और ये लद्दाख सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। लेकिन इन मिसाइल्स के होने के बावजूद भी हमें मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स की ज़रूरत है जो कि ज़्यादा रेंज वाले हों और जिनको हम रेडली इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।